जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो पिछले कल से चल रही है अभी समापन की ओर है। पिछले कल प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई, रात को कोर कमेटी की बैठक हुई और आज दिन भर प्रदेश कार्य समिति की बैठक सुबह 10 बजे से चल रही है। आज की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, प्रभारी आदरणीय श्री अविनाश राय खन्ना जी ने, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश कश्यप जी, सह प्रभारी संजय टंडन जी दीप प्रज्वलित करके इन सब ने पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक की शुरुआत की और हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी ने अध्यक्षीय भाषण दिया है, उसके अनुसार उन्होंने जहां सबका स्वागत किया, सबका धन्यवाद किया, वहीं सबको आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार होने के लिए आह्वान किया और आने वाले समय में अधिक से अधिक समय पार्टी को दिया जाए, ये आह्वान प्रदेश कार्य समिति के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं से उन्होंने किया। इस कार्य समिति की बैठक में आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, जो हमारे केंद्रीय युवा सेवाएं एवं सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनका ब्यौरा प्रदेश कार्य समिति के समक्ष रखा, किस तरह से हमारी केंद्र की सरकार पिछले 8 साल से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के काम में लगी है, विस्तृत रूप से आंकड़ों के साथ उन्होंने जो है अपनी बात सबके सामने रखी। और इसी कार्य समिति की बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया, जो डॉक्टर राजीव बिंदल जी, जो हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, नाम से विधायक हैं, उन्होंने वो प्रस्ताव रखा जिसमें केंद्र प्रदेश तो ये दोनों डबल इंजन की सरकार जिसको हम कहते हैं, इसकी जो उपलब्धियां जो देश हित, प्रदेश हित और जनहित में हमारी इन दोनों सरकारों ने काम किए हैं, उनका लेखा जोखा एक राजनीतिक प्रस्ताव के माध्यम से यहां पर रखा, जिसको हमारी विधायक कमलेश जी ने और प्रवक्ता अजय राणा जी ने जिसका अनुमोदन किया। प्रस्ताव सभी समिति में पारित हुआ, उसकी कॉपियां आपको भेजी गई होंगी और उसी के साथ साथ हमारे प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी ने मार्गदर्शन दिया है और बैठक में आगे विधानसभा चुनाव तक की रणनीति पार्टी ने बनाई कि किस तरह से हमने आगे विधानसभा चुनाव तक पार्टी के कार्यक्रम करने, ये तय हुआ है कि एक सप्ताह के अंदर अंदर 15 जून तक हर मंडल की बैठक होगी। इसी तरह उस मंडल की बैठक में भी प्रस्ताव पारित होंगे और आगे की कार्ययोजना जो मंडलों ने कर लिया वो मंडलों की बैठकों में बनेगी। दूसरा, जो हमारा त्रिदेव सम्मेलन का अभियान 27 मई से शुरू हुआ, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र का त्रिदेव सम्मेलन, हमारे बूथ पालक बूथ अध्यक्ष भी है, ये 3 बूथ के प्रमुख कार्यकर्ता जिसको हम त्रिदेव कहते हैं, इनके संसदीय क्षेत्र के सभी का सम्मेलन जो शाहपुर में, इसमें हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी आई थी, वो 27 मई को हुआ और अभी तय किया गया कि 14 जून को मंडी संसदीय क्षेत्र का, 20 जून को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का हमीरपुर में और 23 जून को शिमला संसदीय क्षेत्र का त्रिदेव सम्मेलन होगा और इन तीनों त्रिदेव सम्मेलनों में कोई ना कोई केंद्रीय नेता, केंद्रीय मंत्री इन सम्मेलनों में आएंगे। तो जो त्रिदेव सम्मेलन का अभियान हमने 27 मई से शुरू किया है उसको हम 23 जून तक पूरा करेंगे। इसी दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को है उसके मंडल शाह कार्यक्रम होंगे और 23 जून को ही हमारी पार्टी के विचारक
जब जनसंघ था उसके संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है 23 जून को हर मंडल पे कार्यक्रम उनकी श्रद्धांजलि के लिए, और 6 जुलाई को उनका जन्म दिवस, तो उस दिन भी मंडलों पे कार्यक्रम होंगे, अलग अलग स्थानों पे होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के योगदान, उनके बलिदान के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी जा सके। इसके साथ साथ हमारे पार्टी ने इस बार एक नई सोच के साथ जो पंचायती राज संस्थाओं में चुने हुए प्रतिनिधि, आज तक हम सिर्फ जिला परिषद, पंचायत समिति और प्रधान उपप्रधान तक ही पार्टी के कार्यों में उनको इन्वॉल्व रखते थे, अब वार्ड मेंबर तक जो सदस्य वार्ड मेंबर हैं उनको भी पार्टी के काम में इन्वॉल्व करने के लिए जुलाई महीने में हर विधानसभा क्षेत्र में पंच परमेश्वर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें उस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायतों के जो हमारी पार्टी के समर्थित प्रधान हैं, उपप्रधान हैं, वार्ड मेंबर हैं, उन सबको बुलाया जाएगा, पार्टी की विचारधारा के साथ, पार्टी की योजना के साथ जोड़ा जाएगा, और आगे अगस्त महीने में उनके और त्रिदेव के माध्यम से जो भी हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ जिनको मिला है, लाभार्थी जिसको हम कहते हैं, बेनिफिशियरी जो हैं, उनको संपर्क करने का अभियान अगस्त महीने में चलेगा। छोटी छोटी बैठकें करके संपर्क करेंगे, घर घर जाकर संपर्क करेंगे, और हमारी जो योजना है कि कम से कम जो अभी तक आंकड़ा हमारे सामने आया है, हिमाचल प्रदेश के अंदर केंद्र और प्रदेश सरकारों के 32 लाख लाभार्थी, तो उन 32 लाख लोगों से संपर्क करना, उसमें हमारा जो पार्टी का संगठन है वो भी लगेगा, जो हमारे पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि वो भी लगेंगे, और मिलकर उनको जो संपर्क करके आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए उनके साथ संवाद किया जाएगा, उनको साथ जोड़ा जाएगा। और इसी तरह हमारे जो 7 मोर्चे हैं उनमें मोर्चों के सम्मेलन मंडल्स हैं वो अभी जून से ही शुरू हो जाएंगे अपनी अपनी योजना के अनुसार, विशेषकर युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा, इनके कंपलसरी है कि हर मंडल को इनके सम्मेलन करने हैं, ये जून जुलाई अगस्त महीने जब जब जिसको मौका मिलेगा, और जहां दूसरों की कहीं अनुसूचित जनजाति मोर्चा की संख्या ज्यादा है तो उनका भी होगा, अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है तो उनका भी होगा, परंतु इन 3 मोर्चों के तो हर मंडल पर होंगे। तो इस तरह से मोर्चों के, मंडलों के सम्मेलन आयोजित करने का भी निर्णय हमारे इस बैठक में हुआ है। 16 अगस्त को हमारी पार्टी के नेता पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है, उस दिन उनकी याद में हर मंडल पर कार्यक्रम होंगे, उनकी श्रद्धांजलि दी जाएगी, कार्यकर्ताओं को उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में बताया जाएगा। ये हमारा हर साल का कार्यक्रम है जिसको हम इस साल भी प्रभावी ढंग से अपनाएंगे। इसी तरह से अनेक योजनाएं हमारी पार्टी ने बनाई है, बूथ सशक्तिकरण अभियान, हमने ऐसे बूथ आइडेंटिफाई किए हैं जहां हम कभी नहीं जीत पाए, उन बूथों के लिए अलग से योजना बनाई कि वो बूथ भी हम जीते, उसके लिए बूथ सशक्तिकरण अभियान, कोई विधानसभा हम नहीं जीतते कभी भी उसके लिए विशेष योजना बना रहे, लोकसभा कोई हम लगातार नहीं जीत पा रहे हैं उसकी योजना बनाना, इस तरह के अभियान भी जो है इन दिनों पार्टी चलाएगी। और सितंबर महीने में हमारा जो निचला स्ट्रक्चर है, आपको याद है बूथ पर हमने पन्ना प्रमुख बनाया, और पिछले विधानसभा चुनाव से पहले हमने पन्ना प्रमुख सम्मेलन किए, इस बार पन्ना प्रमुख के साथ 2-2 लोग और जोड़ के पन्ना समितियां बना दी,